जय भीम साथियों, एक बार आज ये कुंभ मेले की तस्वीरें देख लीजिए। आज उत्तराखंड के हरिद्वार में हो रहे कुंभ मेले में शाही स्नान का दिन था। ऐसे समय में जहाँ कोरोना महामारी फिर से बढ़ रही है, एक साल से ज़्यादा हो गया, देश में रिकॉर्ड केसेस हो रहे हैं, हर दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं देश में केसेस, लाखों केसेस आ रहे हैं रोज़, इतने तो शुरुआत में भी नहीं आते थे। ऐसे समय में ताजुब है कि कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत है। गैर जिम्मेदाराना हरकत सरकार की है, ऐसा उन्होंने परमिशन क्यों दी? अब तस्वीरें खुद ही बयान कर रही हैं इस राष्ट्र की दास्तान। जहां आज बहुत से राज्यों में 50 से ज़्यादा लोगों का समारोह तक बैन हो चुका है, वहां लाखों लोग हरिद्वार में कुंभ मेले का त्यौहार मना रहे हैं। सरकार का कहना है सोशल डिस्टेंसिंग होगी, सारे कोविड से जुड़े मानदंडों का पालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो ये भी कहा है कि हमने 450 कैमरे लगाए हैं ध्यान रखने के लिए कि दूरी बनाए रखें लोग और मास्क पहने रखें। पर अब कॉमन सेंस की बात है, ये कैसे हो सकती है, ये दूरी कैसे बनाए रख सकते हैं जब लाखों लोग एक जगह आकर जुड़ेंगे, वो भी एक त्यौहार में। कम से कम 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए दो लोगों में, 2 मीटर की हो तो और अच्छा है, पर इतनी जगह कहाँ है हमारे देश में। सोशल मीडिया पर भी लोग कहाँ चुप बैठने वाले थे। ट्विटर पर मीम्स का सैलाब आ गया, विषाणु भी अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा होगा। जैसे शहरों में कार में अकेले मास्क पहनना पड़ रहा है लोगों को, और यहाँ देखिए विषाणु खुश हुआ, आँख मिचौली खेलता हुआ, विषाणु यहाँ खुद ही मर जाएगा लोगों के बीच। और हास्य मजाक के अलावा भी देखें, अगर और किसी धर्म का ऐसा समारोह होता है, रमज़ान होता, क्रिसमस होता, गुरुपूर्व या बुद्ध पूर्णिमा, आप देखिए ठीक एक साल पहले मार्च अप्रैल में पिछले साल जब पहला लॉकडाउन लगा था, तब तबलीगी जमात के लोग जो फंस गए थे दिल्ली के निज़ामुद्दीन में, वहाँ कोरोना फैल गया था, तब 3,000 लोग थे केवल जो फंस गए थे, वो भी सरकार की परमिशन से इवेंट था, क्योंकि एकदम शुरुआत की बात थी, ज़्यादा पता नहीं था महामारी के बारे में लोगों को। और उसके बाद जो हुआ टीवी पे, सोशल मीडिया पे, ब्राह्मणवादी मीडिया शुरू हो गया, जिहादी, क्रिमिनल नाम दे दिया, और आज वही मीडिया श्रद्धा की बात कर रहा है, आज वही लोग श्रद्धा की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। तबलीगी जमात पर तो दिल्ली सरकार ने FIR तक कर डाली थी, जो विक्टिम थे खुद, जो पेशेंट, उन पर FIR कर डाली। आज भी कोर्ट में कई मामले चल रहे हैं, कोर्ट ने पुलिस को कहा कि आप कोई सबूत पेश नहीं कर पाए, पुलिस को काफ़ी लताड़ा है तबलीगी जमात के केस में। इस पर आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने भी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की आलोचना की है। उन्होंने कहा है तबलीगी जमात पर कोरोना फैलाने के आरोपों को अदालत में साबित करने में दिल्ली पुलिस लगातार नाकाम रही है। आज एक बार फिर दिल्ली पुलिस के DCP कोर्ट में तबलीगी जमात के खिलाफ कोई सबूत नहीं दे पाए। अब दिल्ली पुलिस एवं भाजपा और आपकी सरकार को भी देश के मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब एक साल हो गया है महामारी को, ज़्यादा हो गया है, हमें पता है क्या है महामारी, कैसे लड़ना है, फिर भी ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत हो रही है, ऐसा गैर जिम्मेदाराना समारोह हो रहा है हरिद्वार में। हम लोगों को ब्लेम नहीं करेंगे, जो लोग हैं आपको फ़ोटो में दिख रहे हैं, पर सरकार की ज़रूर गलती है। पर हम क्या कहें, आप अपनी सुरक्षा रखिए, अपने आसपास लोगों को सुरक्षित ज़रूर रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस इन्फॉर्मेशन को सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अब चाहें तो हमारे चैनल द न्यूज़ बीक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए, दलित बहुजन आदिवासी समाज से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर और विश्लेषण के लिए। आप चाहें तो हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय भीम।